जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सभी इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे जो कि लीजियन ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दी गई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। याद रखना, श्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ द ऑनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा क्योंकि जो कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर कहते हैं, दी गई है, जो कि इमानुएल मैक्रन के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। याद रखना, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है इमानुएल मैक्रन, फ्रांस का प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑनर अवार्ड दी गई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन सी दिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 17 जुलाई। याद रखना, 17 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि यहाँ दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन जुलाई 17 वी एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अपहोल्डिंग एंड डिफेंडिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस एज एन एसेंशियल टूल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द विक्टिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा क्योंकि जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल डे पे पीस, शांति एंड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, विक्टिम की प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है 17 जुलाई को, याद रखना। और इसी ईयर में, और ये जो 2023 में सेलिब्रेट की गई है, जो कि 25th एनिवर्सरी क्रिमिनल, जो ये जो डेट है, जो कि 25th एनिवर्सरी है, जो कि रोम स्टैचू इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, यानी इसका शॉर्ट नेम है ICC के द्वारा सेलिब्रेट की गई है। और याद रखना, ICC की हेडक्वार्टर है द हेगू, जो कि ICC का हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में स्थित है हेगू, और एस्टैब्लिश की गई थी 17 जुलाई 1998 में। याद रखना, 17 जुलाई 1988 में से एस्टैब्लिश की गई थी, और इसका एस्टैब्लिश डेट को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल डे के रूप में, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर विल द एशियन गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज। कौन सी प्लेस में जो कि एशियन गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैंगजू। याद रखना, हैंगजू। द BCCI अनाउंस्ड बोथ द मेन्स एंड द वुमेन्स टीम, बोथ मेन्स एंड वुमेन्स टीम विल टेक पार्ट इन द अपकमिंग हैंगजू, जो कि चाइना में स्थित है हैंगजू, एशियन गेम्स 2023। याद रखना, बोथ वुमेन्स एंड मेन्स की जो गेम्स 2023 में ये अनाउंस की गई है BCCI के द्वारा, जो कि हैंगजू चाइना में अनुष्ठित होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच कंट्री लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मिथेन फ्यूल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है मिथेन फ्यूल्ड। और आपको तो पता ही होगा, चंद्रयान 3 जो कि अभी सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है 14 जुलाई 2023 में, मैं आपको बताई थी, और ये सक्सेसफुली भी अभी काम कर रहा है, और लैंडिंग डेट आपको तो पता ही होगा, जो कि 23 और 24 अगस्त में ये लैंड करेगा नॉर्थ पोल में। याद रखना, जो कि नॉर्थ पोल में ये लैंड करेगा। सो द राइट आंसर इज ये क्वेश्चन का, जो कि मिथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च की है,
चाइना ने, याद रखना चाइना ने लॉन्च की है, कौन सी डेट को देख लेते हैं। चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, और रॉकेट का नेम है जेक्यू टू, याद रखना ये रॉकेट का नेम है जेक्यू टू, मेड बाय चाइना, और लॉन्चिंग डेट है जुलाई 12, 2023, याद रखना, जो कि चंद्रयान 3 का 2 दिन पहले यानी जुलाई 12, 2023 में लॉन्च की गई है। और लॉन्चिंग फ्रॉम, ये जो लॉन्च की गई है कौन सी जगहों पे, जो कि गंसू प्रोविंसेस, याद रखना गंसू प्रोविंस से लॉन्च की गई है। लॉन्चिंग डेट जुलाई 12, 2023। अब बस इतना ही याद रखना चाहिए आपको, मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट और यूटीज हज लॉन्च मोबाइल दोस्त ऐप, जो कि मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च की है इन सिंक विथ द विजन ऑफ द आपका मोबाइल हमारा डफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट यानी और यूनियन टेरिटोरी यानी यूटी के द्वारा लॉन्च की गई है एक मोबाइल ऐप, उसका नाम है मोबाइल दोस्त ऐप इन सिंक विथ द विजन ऑफ द आपका मोबाइल हमारा डफर। सो ए ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च की गई है। जम्मू और कश्मीर में कोई भी सीएम नहीं होती, याद रखना सीएम नहीं है, और उसका जो हेड है यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होती है, जो यूनियन टेरिटोरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होती है, और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखना मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर है वेरियस सर्विस प्रोवाइड करेगा, कौन से क्षेत्रों में, ये वेरियस बिल पेमेंट हो सकता है, न्यूज हो सकता है, बहुत ही जॉब रिलेटेड जो इंटरनेशनल हो या फिर जो वर्ल्ड के बारे में, जो इंडिया के बारे में जो जॉब निकलती है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा, ये जो आप है इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल पेमेंट ये कोई भी आप कर सकते हो, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई है। और याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और सीएम तो इसमें नहीं है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखना जो कि गवर्नर के बराबर है, याद रखना गवर्नर के बराबर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच मिनिस्टर हैज रिसेंटली एड्रेस्ड द इनॉग्रल सीजन, याद रखना इनॉग्रल सीजन ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी टू बी हेल्ड इन गुरुग्राम सिटी ऑफ हरियाणा, कौन सी मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली एड्रेस्ड की गई है, दी गई है, ये अनाउंस की गई है, जो कि इनॉग्रल सीजन ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस, याद रखना G20 के अभी प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के पास है, जो कि सिक्योरिटी क्राइम एंड सिक्योरिटी के लिए गुरुग्राम, जो कि हरियाणा का गुरुग्राम सिटी में ये अनुष्ठित होगा, कौन सी मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस की गई है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमित शाह, याद रखना यूनियन मिनिस्टर यानी यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा ये एड्रेस की गई है, याद रखना, जो कि सेफ एंड सिक्योरिटी साइबर क्राइम, याद रखना साइबर क्राइम अभी तो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को उसके बारे में सचेतन करने के लिए ये एक प्रयास है, और जो कि G20 कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये जो कि डिस्कस की जाएगी, जो कि याद रखना अमित शाह यानी यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस की गई है, एड्रेस्ड की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी आईएमसी विल बी हेल्ड फ्रॉम October 27 to 24 एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में, कौन सी जगहों में, जो कि सेवेंथ एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी आईएमसी जो कि अनुष्ठित होगी 27-29 को अक्टूबर की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रगति मैदान, याद रखना ये जो प्लेस है प्रगति मैदान, याद रखना प्रगति मैदान कौन सी जगह पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखना इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी 2023 विल बी हेल्ड इन प्रगति मैदान, और ये जो उसका थीम रखा गया है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल क्षेत्रों में ये काम करेगा, और शोकेस की जाएगी इसमें, जो ये जो मीटिंग में कौन सी, किसके बारे में बातचीत की जाएगी,
जो कि शोकेस की जाएगी 6G के बारे में। और एडवांटेज इन 5G, याद रखना 5G नेटवर्क का जो एडवांटेज है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और द इंक्रीज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इस जो कि बातचीत की जाएगी 27-29 IMC जो कि इंटरनेशनल मोबाइल कांग्रेस अनुष्ठित होने वाला है प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली का प्रगति मैदान में अनुष्ठित होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत की जाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द इंडिजिनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी DGNSS, जो कि सागर संपर्क टू स्ट्रेंथ द मेराइन सेक्टर इन इंडिया, जो कि मेराइन सिस्टम, इंडिया के मेराइन सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, जो कि स्ट्रेंथ करने के लिए एक इंडिजिनियस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च की गई है। किसके मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर के द्वारा जो कि लॉन्च की गई है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्बानंद सनवाला, उसका नाम है सर्बानंद सनवाला। याद रखना सर्बानंद सनवाला जो कि पोर्ट मिनिस्टर है, याद रखना इंपोर्टेंट हो सकता है, पोर्ट मिनिस्टर है सर्बानंद सनवाला, उसके द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि मेराइन सेक्टर में मेराइन सेक्टर को स्ट्रेंथ देने के लिए ये लॉन्च की गई है, जो कि इनॉग्रेटेड की गई है। याद रखना इंडिजिनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क, जो कि लॉन्च की गई है सर्बानंद सनवाला के द्वारा, पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नारेडोकॉम, नारेडोकॉम यानी याद रखना उसका जो प्रेसिडेंट है कौन है, यानी उसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो CEO के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन बंसल, उसका नाम है हर्षवर्धन बंसल। याद रखना नेरेडोकॉम, याद रखना नेरेडोकॉम नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो एस्टेब्लिश की गई थी 1998 में, और जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली उसका हेडक्वार्टर स्थित है, एस्टेब्लिश 1998, जिसका ब्रांच, याद रखना उसका जो ब्रांच है जो कि नेरेडोकॉम का ब्रांच कौन सी जगह पर स्थित है, ओडिशा में भी स्थित है, जो कि ओडिशा का याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे कई जगहों में भी उसका ब्रांच स्थित है, याद रखना, और उसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, PM नरेंद्र मोदी हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द हाईएस्ट सिविल वन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ हुनर एंड इट्स गिवेन बाय व्हिच कंट्री। सो ये क्वेश्चन तो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया। ये कौन सी कंट्री के द्वारा दी गई है जो कि PM नरेंद्र मोदी को रिसेंटली अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन हुनर एंड इट्स गिवेन बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा दी गई है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रांस। याद रखना मैंने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, जो कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, याद रखना फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, इमानुएल मैक्रोन के द्वारा दी गई है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ द हुनर दी गई है नरेंद्र मोदी को, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है, जो कि फ्रांस के द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट GK और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारा नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक में और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।